जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत है सबके अपने YouTube चैनल कमांडो केबी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी की अगली भर्ती को लेकर है। आप सबको बता दूं काफी बच्चे कई दिन से इंतजार कर रहे हैं, सर एसएससी जीडी की अगली भर्ती की घोषणा कब होगी, ये कितने पदों पर होने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दूं जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं वो और ज्यादा अलर्ट हो जाएगी, क्योंकि एसएससी की तरफ से इसकी जो घोषणा है कि ये कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। उसके साथ साथ बता दूं आप सबको पता होगा कि एसएससीजीडी के भी जो प्रेजेंट वाली भर्ती है इसमें एक बार पोस्ट इंक्रीज हो गई है और पूरी पूरी उम्मीद है कि दोबारा भी इसमें पोस्ट इंक्रीज होगी। एक नोटिस मैं आपको बताता हूं, अभी एसएससी की तरफ से जारी हुआ है, उस नोटिस को देखना, आगे इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। यह जो नोटिस है ये एसएससी के द्वारा सभी सीएपीएफ को दिया गया है कि आपके कितने रिक्त पद है इसकी जानकारी के लिए। ये नोटिस दो बार दिया जाता है, या तो एसएससी जीडी की भर्ती निकालने से पहले या पोस्ट इंक्रीज से पहले। तो एक बार पोस्ट इंक्रीज हो चुकी है, आप सबको पता है, और जबकि ये नोटिस कब का है, ये नोटिस है 25/6 का, और ये नोटिस कब दिया जाता है, जब वैकेंसी निकालनी हो, यानी इतने पदों पर भर्ती होगी, जब इसकी नोटिफिकेशन जारी होने वाली होती है तब इस प्रकार का नोटिस एसएससी की तरफ से सीएपीएफ को दिया जाता है कि आप जल्दी से हमको अपनी जो पेंडिंग वैकेंसी है वो बता दीजिए। और इसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक है, दो रीजन होते हैं, या तो पोस्ट जो चल रही भर्ती में पोस्ट इंक्रीज करनी हो, या दूसरा रीजन नई भर्ती के लिए पद आवंटित करने हो। तो लाडलो आपको बता दूं, अगर ये नोटिस बहुत जल्द, ये नोटिस जारी हो चुका है 25/6 को जारी हो चुका है, अब सीपीएफ अपनी हर एक जो भी डिपार्टमेंट है वो सब अपने रिक्त पदों की घोषणा करेंगे कि हमारे पास में इतने रिक्त पद है, ये एसएससी को जाएंगे और एसएससी आपकी वैकेंसी निकालने वाली है। वैकेंसी निकालने की तो आपको बताइए पहले से ही कि एसएससी ने घोषणा कर चुके, जितने भी जो नए बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं आपको बता दूं कि एसएससी की तरफ से पहले ही कैलेंडर जारी होकर ये क्लियर हो जाता है कि ये वैकेंसी किस डेट को आएगी। तो ये देखो, ये वैकेंसी जो एसएससी की ऑफिशियल साइट है उस पर लिखा हुआ है ssc.gov.in पर, अगर आप जाके देखोगे कैलेंडर, तो कॉन्स्टेबल जीडी सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल जो सीबीसी बेस्ड एग्जाम होगा 27 अगस्त को वैकेंसी आने वाली है, 5 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी फरवरी 2025 में पेपर होगा। और मैं आप सबको बता दूं ये वैकेंसी अभी जो चल रही है 46,000 पदों पर है, इस वैकेंसी का भी पूरा पूरा चांस है कि पद बढ़ेंगे, और अगर इस वैकेंसी में पद बढ़ते भी है तो भी अगली वैकेंसी बहुत अच्छे पदों पर होगी, 50-60 हजार पदों पर होगी, और आपको उसकी तैयारी आज से शुरू कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने के बाद में तैयारी करोगे तो नंबर नहीं मार पाओगे, जबकि एसएससी का पेपर बहुत लो होता है। अगर आप अभी से तैयारी कर दोगे, आपके पास में 6 से 7-8 महीने का समय है, खींच के तैयारी में लग जाइए, लाडलो वैकेंसी 100% आ चुकी है, इसकी जो औपचारिक घोषणा वो भी हो चुकी है, सिर्फ बचा हुआ इतना है कि कितने पद, और उसका मैं आपको आइडिया देता हूं कि 50,000 से ऊपर पदों पर जाएगी। जैसे ये भर्ती आई 25,000 पे थी, 46,000 की हो गई, मैं भी बोल रहा हूं आपको कि वैकेंसी 60,000 पदों तक जाएगी, और अगली वैकेंसी भी कम से कम इतने ही पदों पर आएगी। एसएससी में वैकेंसी की जो कमी नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्स में कई फोर्सेस ऐसे हैं जिनमें अभी पोस्ट और वैकेंसी बहुत बाकी है। मैं आपको बता दूं सीआरपीएफ में 1,29,000 पदों की घोषणा की थी कि इतने पद हमारे पास में पेंडिंग चल रहे हैं, उनमें से मात्र इस वैकेंसी में 9,000 पद लिए गए हैं। तो अभी भी सीआरपीएफ की अगली जब गिनती होगी तो उसमें लगभग उनके पास में 2 लाख से ज्यादा अतिरिक्त पद होंगे, इसका मतलब अगली वैकेंसी काफी बड़ी आने वाली है, वैकेंसी की डेट आ चुकी है, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एज क्राइटेरिया में छूट नहीं मिलेगी, जिनका एज 18 से 23, ओबीसी का 18 से 26, एसटी का 18 से 28, यही एज क्राइटेरिया फाइनल रहेगा, एज में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी लाडलो, ठीक है। तैयार हो जाइए भाई अगली भर्ती के लिए, इंतजार मत करिए नोटिफिकेशन का, 100% नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, 27 अगस्त को फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे उसी दिन, और हाँ हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, ऐसा होता है एसएससी में, जो डेट दी हुई है उससे पहले आ सकता है, एग्जाम जनवरी फरवरी की बजाय अक्टूबर नवंबर में भी हो सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए भाई। जय हिंद, जय भारत।